नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपका मोबाइल फ़ोन हीट क्यों होता है और अगर हीट होता है तो इससे कैसे बचें। दोस्तों, मोबाइल फ़ोन का हीट होने का कारण आम बात है, लेकिन एक लेवल से ज़्यादा हीट होना एक प्रॉब्लम की बात हो सकती है। तो दोस्तों, यूट्यूब पर कई सारे वीडियो बताए जाते हैं जिनमें आपको ऐप इंस्टॉल करने के लिए कहा जाता है कि ये ऐप इंस्टॉल कीजिए और आपका फ़ोन कूल हो जाएगा, हीट नहीं होगा, ठंडा हो जाएगा। दोस्तों, आप बिना ऐप के इंस्टॉल किए ही ये काम कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन काम करती है वो आप खुद कर सकते हैं बिना किसी एप्लीकेशन के डाउनलोड किए हुए। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कैसे अपने मोबाइल को हीट होने से बचाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल कलर के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की भी नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, अगर आपका एंड्रॉयड फ़ोन हीट हो रहा है तो पहले गौर करें कि आपका फ़ोन किस फीचर को यूज़ करने से ज़्यादा हीट हो रहा है। बहुत से सेल फोन चार्जिंग के दौरान हीट होते हैं, बहुत से मोबाइल फ़ोन ब्राउजिंग के टाइम हीट होते हैं और बहुत से एंड्रॉयड फ़ोन कॉलिंग के टाइम हीट होते हैं और कुछ मोबाइल्स तो रखे रखे भी हीट हो जाते हैं। तो दोस्तों, पहले ध्यान कीजिए कि कौन से फीचर के यूज़ करने से आपका मोबाइल हीट हो रहा है। अगर आपका मोबाइल चार्जिंग के दौरान हीट हो रहा है या गर्म हो रहा है तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल की चार्जिंग को बदल कर देखें और जिस प्लग में आपने लगाया है वो भी आप बदल कर देख लें। और दोस्तों, कई बार बैटरी पुरानी होने की वजह से भी आपका मोबाइल हीट हो सकता है। अगर आपका मोबाइल पुराना हो गया है और किसी भी फीचर के यूज़ करने से हीट हो रहा है तो आप एक बार अपने मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट करवा लें, क्योंकि कई बार सॉफ्टवेयर की वजह से भी मोबाइल की हीटिंग प्रॉब्लम होती है। सॉफ्टवेयर अपडेट करने से इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। अगर दोस्तों आपका मोबाइल फ़ोन गेम खेलने के दौरान हीट हो रहा है तो समझ लीजिए ये एक ओवरलोड है, मतलब आपके फ़ोन में एक साथ कई सारी चीज़ें चल रही हैं। इसके लिए आपको बैकग्राउंड में रन कर रही एप्लीकेशन को बंद करना होगा। बैकग्राउंड में रन कर रही एप्लीकेशन को बंद करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना होगा और वहाँ पर आपको एप्लीकेशन का चुनाव करना होगा। यहाँ पर आपको कुछ टैब दिखाई देंगे जिनमें रनिंग एप्लीकेशन का टैब होगा और वहाँ पर उसे टैप करके अब यहाँ पर से आप उन एप्लीकेशन को बंद कर सकते हैं जिनका आप उपयोग नहीं करना चाहते। उन एप्लीकेशन को बंद करने के लिए उन एप्लीकेशन पर आपको टैप करना होगा और वहाँ से आपको फोर्स स्टॉप कर देना है। इससे आपका मोबाइल काफ़ी हद तक कूल हो जाएगा और आपका मोबाइल गर्म नहीं होगा। और दोस्तों, अगर आपका मोबाइल रखे रखे गर्म हो रहा है तो इसका कारण भी ओवरलोड हो सकता है। इसके साथ ही आप एक और तरीका अपना सकते हैं जिससे आप अपने मोबाइल की बैटरी को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन आपको सेटिंग में जाकर मिलेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन आपके फ़ोन की बैटरी को ज़्यादा यूज़ कर रही है और उस एप्लीकेशन को आप वहीं से आप बंद कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा बैटरी का उपयोग गूगल मैप और गूगल की ऐप करते हैं, इसलिए मोबाइल फ़ोन की हीटिंग हो रहा है तो गूगल की कुछ एप्लीकेशन को बंद ही रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ब्राउजिंग के दौरान अगर आपका मोबाइल फ़ोन हीट हो रहा है तो दोनों उपाय आपके लिए उपयोगी है। वहीं आप ब्राउजिंग के सेटिंग में जाकर कंप्रेस डाटा को एक्टिव कर देंगे तो इससे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। इससे न सिर्फ कम डाटा खर्च होगा बल्कि फ़ोन भी गर्म कम रहेगा। यदि आपका मोबाइल फ़ोन कॉलिंग के दौरान स्पीकर के पास गर्म हो रहा है तो एक बार फ़ोन का डाटा रीसेट कर लें। फैक्ट्री डाटा रीसेट आपको मोबाइल के फ़ोन की सेटिंग में जाकर बैकअप एंड रीसेट में मिलेगा। और दोस्तों, कई बार मोबाइल हीटिंग की प्रॉब्लम मोबाइल की इंटरनल मेमोरी बढ़ जाने की वजह से भी हो सकती है। तो दोस्तों, ऐसे में आप अनवांटेड एप्लीकेशन और अनवांटेड फाइल्स को आप डिलीट कर दें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और दोस्तों, अगर आप ये तरीके जो मैंने आपको बताए इस वीडियो में अगर आप अपना लेते हैं और ये अपने मोबाइल के साथ कर लेते हैं तो आपका मोबाइल कभी भी हीट नहीं होगा। अब दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा।